दुख पर हर सुख सुख कर ले जाए। 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 गाइए सुनिए मन धरिए पाओ। आप न जाए
जाए।
सुख कर ले जाए। सुनिए मन रखिए जा।
रखिए पहाओ, श्रद्धा से, भाव से, जो श्रद्धा से गाते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, वो अपने दुख गुरु के चरणों में रखकर सुख घर ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नाम, धन गुरु नाम। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। ये श्री जपजी साहब जी की वाणी का महत्व भी है, ध्यान देना। ये जपजी साहब जी की वाणी है, श्री जपजी साहब जी की गुरु नानक पातशाह के मुखारविंद से उच्चारण की हुई पहली वाणी श्री जपजी साहब जी। इसका महत्व क्या है? छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी सिंहासन पर विराजमान है, हजारों की तादाद में संगत भी है। गुरु जी ने फरमाया कि कोई ऐसा सिख है इस सभा में जो हमें मन जोड़कर शुद्ध वाणी उच्चारण करके श्री जपजी साहब जी का पाठ सुनाए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कोई ऐसा सिख इस सभा में है जो मन जोड़कर भाव से शुद्ध उच्चारण करके श्री जपजी साहब जी की वाणी का पाठ सुनाए, तो उस सभा में एक सिख भाई गोपाला जिसका नाम आया है वो उठ खड़ा हुआ, गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में मस्तक रखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, पातशाह ये सेवा मुझे दीजिए कि मैं आपको ये पाठ श्रवण कराऊं। गुरु जी ने कहा ठीक है। भाई गोपाला जी ने अरदास की, मन बिरते एकाग्र चित की कि अपनी सेवा पातशाह खुद करवा लेना। निम्रता की बेनती से उसने पाठ शुरू किया, उच्चारण शुद्ध, एक एक अक्षर शुद्ध उच्चारण, मन जोड़कर पाठ कर रहा है। श्री जपजी साहब जी का वाणी का उच्चारण हो रहा है, गुरु हरगोविंद साहब जी छेवें गुरु नानक खुद श्रवण कर रहे हैं। भाई गोपाला ने इतना मन जोड़कर पाठ किया, सात संगत जी इतना मन जोड़कर और इतना शुद्ध उच्चारण किया कि गुरु हरगोविंद साहब जी मन में सोचने लगे कि इसके बदले इसको क्या दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना शुद्ध उच्चारण से जपजी साहब जी का पाठ सुना रहा है, इसके बदले इसे क्या दें?
इतिहास में लिखा है छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब जी मन में सोचने लगे सबसे बड़ी वस्तु हमारे पास क्या है जो इसे दें। एक बात का ध्यान देना साध संगत जी, उसने किया क्या था? सिर्फ श्री जपजी साहिब जी का पाठ मन जोड़कर सुना रहा था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक को ये चिंता हो गई कि इसके बदले में इसे दूं क्या छेवें गुरु नानक को। बड़ा सोचने विचार करने के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये सोचा कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज तो गुरु नानक की ये गद्दी है, क्यों ना भाई गोपालों को यही दे दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब पाठ का भोग पढ़ने लगा ना, गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने सिंहासन से थोड़ा थोड़ा खिसकने लगे, थोड़ा थोड़ा सरकने लगे। मन बना लिया कि यहाँ से उठ जाएंगे और भाई गोपालक को बिठा देंगे। आखिरी पौड़ी चल रही थी, भाई गोपालक का ध्यान गया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी उठ के जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि पाठ सुनाऊंगा शुद्ध और गुरु जी कोई पूछेंगे कि मांग क्या मांगता है और मैं मांगूंगा जो कल संगत काबुल से घोड़े देकर गई थी ना, उसमें एक घोड़े पर सोने की काठी थी जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, मैं गुरु जी से वो मांग लूंगा। पर गुरु जी तो जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु जी उसे सारी सृष्टि का मालिक बनाने के लिए तैयार हो गए, पर उसके मन में ये भावना आ गई कि गुरु जी उठ के जा रहे हैं, मेरा मन तो ये था कि मैं वो घोड़ा सोने की काठी वाला मांग लूं। गुरु जी वापिस अपने सिंहासन पर बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घट घट के अंतर की जानत, सिंहासन पर बैठ गए। भाई गोपाला ने भोग डाला, गुरु जी ने अपने सेवादार को इशारा किया, वो घोड़ा काठी समेत लेकर आ गया। गुरु जी कहने लगे, भाई गोपाला जिस प्रकार मन जोड़कर शुद्ध उच्चारण करके तूने श्री जपजी साहिब जी की वाणी का उच्चारण किया, हम तो तुझे गुरु नानक के घर का मालिक बनाने वाले थे, पर तूने मांग लिया घोड़ा, तूने मांग लिया घोड़ा, जो तेरी मांग है वही पूरी करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये साखी सुनाकर महापुरुष समझाया करते थे कि दाता ओ ना मंगिए फिर मंगन जाइए, कभी भी दातों से दाता दात मत मांग, दाता को ही मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी गुरु से ये मत मांग कि ये दे दे ये दे दे वो दे दे, ये चलता रहेगा सारी जिंदगी, अरे गुरु को ही मांग ले सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये श्री जपजी साहिब जी की वाणी का महत्व है साथ संगत, और शुद्ध वाणी पढ़ने का भी महत्व है इस साखी में। श्री जपजी साहिब जी की वाणी गुरु नानक पाशाह ने उच्चारण की कब, आइए दो पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़ाएं कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी का महत्व आखिर है कितना, क्या महत्व है।
नानक पातशाह अमृत वेले करतारपुर में रावी नदी में स्नान कर रहे हैं। बहुत सारी संगत भी साथ में, भाई लैणा जी भी वहां बैठे। गुरु नानक पातशाह ने स्नान किया और रावी के किनारे बैठकर इशारा किया भाई लैणा जी को कि जो हम वाणी अब उच्चारण करेंगे उसे आप लिखते जाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने उस वक्त इस वाणी का उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवा चुपे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार पुख्या पुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस स्याण पा लख हो ता इक ना चले ना किव सचियारा होई है किव कूड़े तुटे पाए हुकम रजाई चलना नानक लिखिया ना। इतिहास में लिखा है सात संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने जब ये वाणी उच्चारण की तो वहां पर करतारपुर की काफी ज्यादा संगत थी जिनके मन चंचल थे, टिकते नहीं थे। जैसे ही इस वाणी का उच्चारण शुरू हुआ सब ने प्रत्यक्ष कौतुक क्या देखा कि हर एक की वृत्ति एकाग्रचित हो गई, विस्माद में चले गए क्योंकि वाणी उच्चारण भी कहाँ से हो रहे थे, गुरु नानक पातशाह के मुखारविंद से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत विस्माद में चली गई, वो लोग जिनके मन कभी टिकते नहीं थे, चंचल बुद्धि चंचल मत, ये मन जिनका स्थिर नहीं होता, जब इस वाणी को श्रवण किया विस्माद में चले गए। ना शुद्ध रही ना बुद्ध रही ना मत रही, आनंद में लीन हो गए। काफी समय बाद जब गुरु नानक पातशाह ने आवाज दी भाई लैणिया इस वाणी को जो श्रवण कर गए हैं इस वक्त उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लैणा जी ने उस वक्त सात संगत जी गुरु नानक पातशाह से सवाल किया कि पातशाह इस वाणी को जपजी साहब जी की वाणी का क्या महत्व है, कितना महत्व है। तो गुरु नानक पातशाह ने जो महत्व बताया है सात संगत जी, दास लिख कर लाया है ताकि कुछ छूट ना जाए, ध्यान से श्रवण कीजिए। एक एक अक्षर गुरु नानक पातशाह के मुखारविंद से उच्चारण हुआ हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। और जिस किताब से दास से लिख कर लाया है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रमाणित किताब है। श्रवण कीजिए क्या लिखा हुआ है, एक एक अक्षर। कल युग में जो कोई अमृत वेले स्नान करके श्रद्धा से इस जपजी साहिब जी का पाठ करेगा, निरंकार की उस पर ऐसी मेहर होगी कि उसकी आत्मा और शरीर निर्मल हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी प्रकार का रोग शोक दुख
संताप, काल, भय, आदियां, व्याधियां, उपाधियां उसके पास से नहीं गुजर सकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी दाते हैं, किसी प्रकार का रोग, शोक, दुख, संताप, काल का भय, आदियां, व्याधियां, उपाधियां उसके पास से भी नहीं गुजर पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठकर एक पाठ श्री जपजी साहब जी का कर लेगा, एक पाठ भावना से। दूसरा वचन गुरु नानक पातशाह का, जो लोग कठिन तपस्या नहीं कर सकते इस कलयुग में, जो लोग कठिन तपस्या नहीं कर सकते इस कलयुग में, उनके लिए ये जपजी साहब जी की वाणी भोग और मोख देने वाली, भाव के दुनियावी और परमार्थ के सुख देने वाली प्रत्यक्ष वाणी साबित होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के लोक सुखिए पर लोक सुहेले, यहाँ के भी सारे सुख उसे मिलेंगे और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये श्री जपजी साहब जी की वाणी का महत्व है सात संगत जी। गुरु नानक पातशाह अपने मुखारविंद से उच्चारण कर रहे हैं कि जिस स्थान पर जपजी साहब जी की वाणी का नित्य प्रति पाठ होगा, जिस स्थान पर जपजी साहब जी की वाणी का नित्य प्रति पाठ होगा वह स्थान अटल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस घर में इसका उच्चारण हर रोज होगा, जिस घर में इसका उच्चारण हर रोज होगा वहाँ देवताओं का वासा हो जाएगा, कोई भी भूत प्रेत या बुरी रूह वहाँ नहीं ठहर सकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और चौथा और आखिरी, जो कोई श्रद्धा से पाठ करके अरदास करके अपना कार्य विहार आरंभ करेगा, जो दुकान में हम जाते हैं जिसकी जो भी काम है कृत कमाई है, जो कोई श्रद्धा से पाठ करके अरदास करके अपना कार्य विहार आरंभ करेगा उसके कार्य विहार कारोबार में बरकत पड़ेगी, दलिद्र भाव गरीबी दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के मुखारविंद से उच्चारण हुए गुरु श्री जपजी साहब जी का महात्म है। ये महात्म बताने का कारण क्या है सात संगत जी, इसकी बात को गहराई को समझिए। ये जपजी साहब जी की वाणी से जुड़िए। ये जो समर वेकेशन आ रहा है, नीचे 51 पाठ श्री जपजी साहब जी के रखे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कोई रेस नहीं लगी हुई कि कितने पाठ करने हैं कितनी देर में। चाहे कोई बच्चा भी आके बैठ जाए जिसे नहीं आती वाणी पढ़नी, पहली बार पढ़ रहा है, चाहे एक घंटे में एक अंग पढ़े तो भी परवाह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि हमारा मकसद गिनती करना नहीं, हमारा मकसद लोगों को श्री जपजी साहब जी के पाठ से जोड़ना है। जो कभी पाठ नहीं जिसने किया वो भी आकर बैठे, अपना समय दे, अपने बच्चों को अपने घर वालों को श्री जपजी साहब जी की वाणी से जोड़िए। ये मौका है आपके पास। 51 पाठ इसीलिए रखे हैं, हम 13 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत लाभ ले सके। चाहे कितनी भी देर कीजिए ना, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी से जुड़िए। जो बच्चे आपके बुरी संगत में जाने वाले होंगे, बुरी संगत में नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे में आएंगे, वाणी से जुड़ेंगे और बरकत देखिए एक एक वाणी से जुड़ने की। घर में से कला कलेश खत्म हो जाएंगे, दुख रोग खत्म हो जाएंगे। इस वाणी में इतनी शक्ति, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं इस वाणी से जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नीचे जाकर जपजी साहब जी के पाठ में नाम लिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हर आदमी। और कुछ लोग आगे आए, जैसे कि हमने पता किस प्रकार से अभी सेटिंग की है, पहले तो था ना कि कितने पाठ ऐसे कैसे होंगे, बहुत लोग घबरा गए थे, तो गुरु ने मेहर की है, हमने इस प्रकार सेटिंग की है कि जैसे एक पाठ ये संभालेगा, एक पाठ ये संभालेगा। किस प्रकार कि एक नंबर का पाठ इसे दे दिया, अब इसकी जिम्मेदारी है वो पाठ पे कौन बैठेगा, कौन आएगा, कितने बजे उठेगा, एक पाठ की जिम्मेदारी इसे दे दी। दो पाठों की जिम्मेदारी श्रीचंद जी ने ली कि मैं संभालूंगा। ऐसे दो पाठों की जिम्मेदारी किसने ली है, मेरे दोस्तों ने एक एक पाठ लिया है, मैंने एक पाठ लिया है, कि वो एक पाठ की जिम्मेदारी, 5 नंबर जो पाठ होगा वो मेरा है।
चाहे मैं 12 लोगों से करवाऊं दो दो घंटे की ड्यूटी देकर, चाहे एक एक घंटे की ड्यूटी देकर 24 लोगों से कराऊं, चाहे आधे आधे की ड्यूटी देकर 48 लोगों से कराऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार तो हम हजारों पाठ कर सकते हैं, ये 51 तो कुछ भी नहीं, एक आदमी की जिम्मेदारी एक पाठ की, वो उसकी जिम्मेदारी हो गई। आंटी आप भी एक पाठ की जिम्मेदारी लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सब लोग जिनके ग्रुप हैं, जिनके 12 15 20 लोगों के ग्रुप होते हैं, आजकल व्हाट्सएप में तो सैकड़ों लोगों के ग्रुप है, अगर वहाँ पर ग्रुप है उस ग्रुप को अब यहाँ पर यूज़ कीजिए। जो लोग व्हाट्सएप में पूरा दिन चैटिंग करते रहते हैं उन्हें बोले आओ अब जपजी साहब जी के पाठ से जुड़ जाओ, सारा दिन तो कलयुग में लगे रहते हैं, अब इसका फ़ायदा उठा लो। ग्रुप सबके बने हुए हैं, उस ग्रुप में से अगर 50 लोग हैं तो कम से कम आधे तो पकड़ लो जो जपजी साहब जी के पाठ से जुड़ जाएं। आधा आधा घंटा एक एक घंटा लगाएं, एक एक जिम्मेदारी लो आगे आकर, नीचे नाम लिखाओ कि एक पाठ मैं कराऊंगी, एक पाठ मैं कराऊंगा। ऐसे नीचे जाके टेबल अलग लगाया हमने जपजी साहब जी के पाठ के लिए। मेरा मन तो ये है कि 108 पाठ रखें, शुरुआत है 51 पाठ रखे हैं, गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब में 40 में गुरु मेहर करें 108 पाठ रखे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर बात सबको समझ में आई है जपजी साहब जी का महात्म की, तो सारे जोर से जयकारा लगाइए। अब सिर्फ जयकारा नहीं लगाना, नीचे जाके नाम भी लिखाना। गुरु मेहर करे, नीचे जाके कम से कम हर संगत जो अपनी संगत रोज की आने वाली है, कई लोग पता है मुझे मिलते हैं कहते हैं बाबा जी हम नाम नहीं लिखा रहे पर हम पाठ जरूर करेंगे। अरे जब नाम नहीं लिखाओगे हमें पता कैसे चलेगा, हम तो टेंशन में बैठे रहेंगे ना कि संगत आएगी कि नहीं आएगी। नाम लिखाओ नीचे जाकर, तब हमें पता चलेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये दूसरी बार मुझे बेनती ना करनी पड़े, इस महात्म को बार बार टीवी पर दिखाया जाएगा, इसको सुनिए बार बार, मन में बसाइए। एक बाणी में इतनी शक्ति, एक बाणी में गाविए सुनिए, मन रखिए भाव, गाओ भाव से, सुनो भाव से, फिर क्या होगा दुख पर हर सुख कर ले जाए। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, सुख सुख
सुख कर ले जाए। गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए।